हेलो फ्रेंड्स, कुसुम की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स समोसा। समोसा के लिए मैंने आलू को छील के और उबाल के छील के रख लिया फ्रेंड्स। उसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स रखा है, मटर को रखा है मैंने छील के और मूंगफली रखा है मैंने और धनिया रखा है फ्रेंड्स। हरी मिर्ची नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चे खाएंगे, तेल में ऐसे ही कर लेंगे हम। और पहले धनिया डालेंगे इसमें, धनिया होने के बाद इसमें हम मूंगफली डालेंगे। साबुत धनिया बहुत अच्छा टेस्ट रहता है फ्रेंड्स, आप जरूर ट्राई करना। धनिया हो गई है, मूंगफली डालेंगे और अच्छे से इसे हम रोस्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मूंगफली हो गई है और इसको रोस्ट करने में 2 से 3 मिनट लगा। इसको मैंने धीमी आंच पर रोस्ट किया है, ये अंदर से क्रंची हो जाती है। और इसमें हम आलू डाल देंगे पहले। सॉरी फ्रेंड्स, पहले मटर डालेंगे आलू पहले। देखो फ्रेंड्स, मटर भी अच्छे से हो गई है और इसमें हम आलू डालेंगे। आलू को मिक्स नहीं करेंगे, इतना भूनते भूनते ही आलू मिक्स हो जाएगा। और ऐसे ही करेंगे हम इसको, बहुत अच्छे से भूनना है इसको 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से भून जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही इसको मिक्स करना है। इसको आप ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही करने से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। एकदम अच्छे से टेस्ट नहीं बनाना है इसको, और इसको जितना चलाएंगे मैं ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ऐसे ही चलाते रहेंगे फ्रेंड्स। इसमें हम मसाला डाल देंगे। इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाला है, ये थोड़ा मुंह में आता है, अच्छा लगता है इसका टेस्ट। नमक डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार, और समोसा में भी रहेगा फ्रेंड्स, तो थोड़ा कम ही नमक इसमें डालेंगे हम। और धनिया पाउडर डालेंगे इसमें, मैंने 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाला है इसमें। सब्जी मसाला नहीं डालेंगे इसमें, और 1 चम्मच का 1/4 भाग बहुत थोड़ा सा ही हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। और इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, ये भून गया अच्छे से। और आलू को इतना ही मैश करना है, ज़्यादा नहीं, इसमें छोटे छोटे पीसेस रहेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें हम धनिया गार्निश करके और गैस को हम ऑफ कर देंगे, और इसको फ्रेंड्स ठंडा कर देंगे हम। इसको प्लेट में निकाल के ठंडा कर देंगे जब तक हम समोसा के लिए आटा भूनते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, जब तक आलू ठंडी हो रही है, हम समोसे के लिए आटा बना के रख लेते हैं। मैंने मैदा वो सूजी लिया है फ्रेंड्स, इसको मैंने जो मोटी हो तो उसको आप मिक्सी में थोड़ा ग्राइंड कर सकते हैं, मेरी थोड़ी मोटी थी और मैंने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। ये मेरा 100 ग्राम के करीब सूजी है फ्रेंड्स, और 500 ग्राम मैंने मैदा लिया है, और इसको हम साथ में मिक्स कर लेंगे। और मैंने अजवाइन लिया है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है, तो मैंने 1 बड़ा चम्मच अजवाइन लिया है, और इसको अच्छे से क्रश करके डालेंगे ताकि इसका टेस्ट अच्छे से आए इसमें। सो देखिए फ्रेंड्स, डाल दिया है मैंने। और नमक आलू में भी है तो इसमें थोड़ा हल्का ही नमक रखेंगे और डाल देंगे। और मैंने घी लिया फ्रेंड्स, घी को इसमें डालेंगे। ये 1-3 बड़ा चम्मच मैंने घी लिया है, और इसको इसमें डाल दिए हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। घी को फ्रेंड्स ऐसे ही करके मिक्स कर लेना है, और ये एकदम अच्छे से, देखिए एकदम अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। और इसको ऐसे ही मिक्स करना है, जब तक ये मिक्स ना हो जाए आप इसको ऐसे ही ऐसे करते रहिए, और ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। सो और फ्रेंड्स, मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया है, एकदम हल्का नॉर्मल है ये, और इसको डालने से जो मैंने सूजी डाला है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी और फूल जाएगी इसमें अच्छे से। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही गूंदेंगे, नहीं गीला हो जाएगा ये फ्रेंड्स।
देखिए फ्रेंड्स, और इसको मैंने मिक्स कर लिया है और इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। अच्छे से इसे गूंथना है। सो फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है और नहीं तो ये अच्छे से नहीं बनेगा। थोड़ा इसको हल्का टाइट ही रखना है, जैसे हम पूड़ी के लिए आटा बनाते हैं वैसे ही, तो ये अच्छे से क्रंची रहता है। सो देखिए फ्रेंड्स, हो गया है, मैंने गूंथ लिया है और इसको 10 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए रख देंगे और उसके बाद इसे हम बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आटा को वो 10 मिनट्स के लिए वो करके रख दिया है, सोख हो गया है। और इसका हम ऐसे ही कट करेंगे फ्रेंड्स, और इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। और इसको हम जैसे भटूरा वाला बेलते हैं, सेम भटूरा जैसे ही हम बेलेंगे उसे फ्रेंड्स, और फिर हम आपको दिखाते हैं बेलते हुए। फ्रेंड्स, इसको ऐसे ही बेलना है देखिए, और इसको इधर से भी बेलेंगे। हाँ, ऐसे ही बेलेंगे हम, ज़्यादा पतला नहीं करना है फ्रेंड्स इसको, नहीं तो ये अच्छे से नहीं बनेगा, क्रंची नहीं होगा। इसको थोड़ा हल्का मोटा ही रखना है। देखिए फ्रेंड्स, इसको ऐसे ही बेलना है और इतना ही इसको साइड से, और पूरा ऐसे ही सेम ही रखना है, इसे साइड से और बीच में ऐसे इतना ही पतला रखना है। और ऐसे ही हम सारे बेल लेंगे, उसके बाद हम भरेंगे, 4-5 बेल के भरेंगे। और जब तक गैस को ऑन कर देंगे, हमारा तेल भी गर्म होगा। इसको देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरा भी ऐसे बेल के रख लिया है, और अब इसको हम बीच से कट करेंगे सेंटर से, और उसके बाद इसमें हम आलू को भरेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बेल लिया है और इसको ऐसे ही सेंटर से ऐसे ही कट करेंगे, ऐसे ही जो बेल के रखा है उसे भी कट करके रख लेंगे, उसके बाद हम इसको भरेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे भी कट करके रखेंगे और अब हम इसको स्टफिंग करेंगे, और हमारा तेल भी हो रहा है फ्रेंड्स। देखिए देखिए फ्रेंड्स, इसमें साइड से ऐसे ही पानी लगा देंगे और इसको हम ऐसे ही चिपका देंगे, ऐसे ही चिपका देंगे इसको हम, और इसको अच्छे से प्रेस कर देना फ्रेंड्स, नहीं तो खुल जाएगा तो तेल भी ख़राब हो जाएगा और हमारा समोसा भी ख़राब हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम समोसा आलू भरेंगे जो हमने बना के रखा है। ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स, इतना ही डालेंगे और ऐसे प्रेस करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे करेंगे, और उसके बाद हम इसमें फिर से पानी लगाएंगे और इसको हम ऐसे ही चिपका देंगे, और ये हमारा ऐसे ही बन जाएगा फ्रेंड। सो देखिए फ्रेंड्स, रेडी हो गया है, और आप भी ऐसे ही बनाना, और ऐसे ही हम सारे भर के रख लेंगे और जब तक हमारा तेल हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही सारा बना के और हम रख लेंगे 5 से 6, उसके बाद इसे हम तलेंगे। ऐसे ही और मैं बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा भी हम सेम प्रोसेस में ऐसे ही बना लेंगे। इसमें मैंने पानी लगाया है और इसको ऐसे फोल्ड करके और इसको अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे, और चिपक गया फ्रेंड्स ये। और अब इसमें हम आलू भरेंगे, कर लो ऐसे ही आलू भरना है, और इधर भी साइड में हम पानी लगाएंगे और उसके बाद इसे हम प्रेस कर देंगे। ऐसे ही इसको फ्रेंड्स ऐसे ही कर लेंगे, और इसको हम, ये भी ऐसे ही रेडी हो गया फ्रेंड्स, इसे भी रख लेते हैं। इसको भी ऐसे ही मैंने बना लिया है, और इसमें भी हम साइड से पानी लगाएंगे और उसके बाद इसमें हम भरेंगे आलू को। और ऐसे ही प्रेस करेंगे, और यहाँ से इसको ऐसे ही फोल्ड करना है फ्रेंड्स, और उसके बाद हम इसे ऐसे ही चिपका देंगे। फ्रेंड, थोड़ा अलग तरीके से बना के दिखा रही हूँ, अगर आपको ऐसे फोल्ड करना नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करिए इसमें पानी लगा के, और इसको ऐसे ही दबा लीजिए अच्छे से, और इसमें नहीं, इसको साइड से फोल्ड नहीं करना है फ्रेंड्स, ऐसे ही इसको हम रखेंगे और पानी ऐसे ही लगाएंगे और इसको ऐसे ही चिपका देंगे फ्रेंड्स। ऐसे भी अच्छा लगता है, वो थोड़ा ऐसे ही आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आसान है बनाना। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे ही सारा बना के अब हम रख लेंगे, उसके बाद हम इसको तेल में तलेंगे। तो पहले देखो,
देखिए फ्रेंड्स, मैंने 5 से 6 बना लिया है और तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं और धीमी आंच पे ही रखेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो ये जल्दी से जल जाएगा। इसको हम धीमी आंच पे ही पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे हम पलट लेंगे और ये ब्राउन हो गया है हल्का हल्का, धीमे आंच पे ही रखेंगे और इसको 2 मिनट के लिए और भी देर फ्राई करेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हो गया है और मैंने इसको धीमी आंच पे ही निकाल किया था और इसको हम निकाल लेंगे, इसमें रख लेंगे ताकि इसका तेल भी निकल जाए। उसके बाद हम दूसरा डाल देंगे। ऐसे ही सारा बना लेना फ्रेंड्स। सो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही सारे निकाल लेना है और दूसरा भी ऐसे ही डालती हूँ मैं। इसको धीमी आंच पे ही रखेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद इसे हम दिखाते हैं आपको पूरा जब हम बना लेंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, रेडी हो गया है, मैंने बना लिया है सारा और बहुत टेस्टी बना है और बहुत क्रंची बना है फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ और क्रंची बना है फ्रेंड्स। और अगर प्लीज़ अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। थैंक यू।